केंद्र सरकार द्वारा लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरमौर में सामाजिक अधिकारिता विभाग के सौजन्य से चयनित किए गए मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपमंडल अधिकारी LR वर्मा ने किया। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें चयनित ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के बाद सभी कार्यकर्ता पंचायत प्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी वर्करों के साथ मिलकर ग्रामीण स्तर पर लोगों को नशे के उन्मूलन के बारे में जागरूक करेंगे। इस अभियान के तहत हमने जो है अपना पूरा प्रोग्राम बना करके एक जिसे हम एक्शन प्लान कहते हैं सर, गवर्नमेंट को भेज दिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें जिले को फंडिंग भी मिल जाएगी और नशे के उन्मूलन और इसके दुष्परिणामों और जो हमारी युवा पीढ़ी इसमें फंस चुकी है उनके बचाव के लिए हमें उस राशि से भी बड़ी सहायता मिलेगी। और आज जो पहला हमने किया है, ये जो आज सेशन हो रहा है सर, ये 50 हमने पूरे अपने जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से मास्टर वॉलेंटियर्स चयनित किए थे, जिन्हें DC साहब के माध्यम से इस लिस्ट को हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया था। आज इनका ट्रेनिंग सेशन है। इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए स्टेट नोडल एजेंसी हमारी जो है गुंजन NGO, उसके पदाधिकारी आज यहाँ आ चुके हैं। आज इन्हें एक दिन में पूरा इन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस देनी है, कैसे लोगों को इस नशे की प्रवृत्ति में जाने से रोकना है। तो आज ये सेशन इसीलिए है।